आणि त्या कानदुखीचं कारण जे आहे ते खरं आहे, कारण ज्या प्रकारचं वारं वाहत आहे या महाराष्ट्रामध्ये ते जर कोणाच्या कानात शिरलं तर कान दुखतो। आणि मला देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी पूर्ण आदर आणि सहानुभूती आहे। 105 आमदारांच्या नेत्याला ज्या प्रकारे या 40 जणांनी त्यांचं माथेरं आणि पोतेरं केलेलं आहे, त्याच्यामुळे कान दुखणार उद्या, बऱ्याच गोष्टी दुखू शकतात, पोटात दुखू शकतं, छातीत दुखू शकतं, या सरकारला हार्ट अटॅक येऊ शकतो, काही होऊ शकतं, त्याच्यामुळे त्यांची प्रकृती जर बरी नसेल किंवा ते नाराज असतील तर त्यांची नाराजी समजून घेतली पाहिजे। कोणाला मला माहिती, दिल्लीमध्ये तर मोदी आणि शहाजी आहेत, अजून कोण आहे, त्यांचेच आहेत ना। बोलिये, मैंने महाराष्ट्र के 3 मंत्री और 4 MLA के खिलाफ ईडी के पास कंप्लेंट दी है। दादा भुसे गिरणा मौसम सहकारी साखर कारखाने के माध्यम से किसानों से 178 करोड़ रुपए की उगाही की और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया उस पैसे का, कहाँ है पैसा। राहुल कुल 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है। राधाकृष्ण विखे पाटिल झकीर नाइक के संस्था से उनके अकाउंट में कितने करोड़ आए हैं उसका हिसाब किताब नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या नहीं बताइए। मैंने सब कुछ भेजा है ईडी के पास, यहाँ रेड्स नहीं हो रही है भाई। जो मंत्री आज बने हैं महाराष्ट्र में तो पहले हमारे साथ थे, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, वो क्यों बंद हो गई, इनकम टैक्स की कार्रवाई क्यों बंद हो गई, कुछ MPs के ऊपर कार्रवाई चल रही थी क्यों बंद हो गई। जो आपके विरोध में है सरकार के उनके ऊपर आप रेड्स कर रहे हो, और मैं बार बार ईडी के पास CBI के पास जानकारी दे रहा हूँ विद एविडेंस, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है भाई। दादा भुसे, राहुल कुल, राधाकृष्ण विखे पाटिल के बारे में मैं और जानकारी देने जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कब तक उनको बचा रहे सब लोग। और क्या है इश्यू, और क्या है, सरकार तो ईडी नहीं बनाई ना महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की सरकार अगर ईडी नहीं होती तो सरकार बनती ही नहीं, एकनाथ शिंदे भी नहीं चले जाते अगर ईडी नहीं होती तो। एकनाथ शिंदे तो ईडी का प्रोडक्शन है, आज का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का ईडी का प्रोडक्शन है। करने दो ना, अब जैसा कि देखा जा रहा है कल से पहले सीता तो देखते, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सरकार अंतर विरोध से गिर जाएगी, ये पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 3 महीने की जो मुदत दी है, मोहलत दी है, उसके आधार पर भी ये सरकार 2 महीने के बाद नहीं रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है, निर्देश स्पष्ट है, सब कुछ गैरकानूनी इलीगल है, संविधान के विरोध है। तो यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों को कानून का और संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। डर गए, अभी अचानक 24 घंटे में क्या हो गया, महाराष्ट्र में शिंदे जी चले गए क्या, 24 घंटे में शिंदे जी चले गए। कल तक तो महाराष्ट्र में क्या, महाराष्ट्र में शिंदे जी और देश में मोदी जी थे, अब सिर्फ 24 घंटे में शिंदे जी कहाँ चले गए भाई, महाराष्ट्र से किसने बांबू लगाया, बंबू का तंबू किसने उखाड़ दिया, मुझे बताइए। आज नया इश्तिहार, एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया है, आप देख लीजिए, उसमें बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो है, आनंद दिगे जी का फोटो है, सबका फोटो है। लेकिन मैंने कहा कल जो बूंद से गई वो हाउस से नहीं आएगी नाद। चलिए, देखिए बीजेपी गुट नाराज है, नाराज रहेगा,
40 एमएलए वाला एक गुट 105 पर राज कर रहा है, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, बीजेपी के ऊपर बोझ बनकर बैठा है, तो फरवरी साहब नाराज तो हो गए ही ना। मैंने क्या अलग कहा था, मैंने कल क्या कहा था, यही कहा था कि पूरी राजनीतियां बाला साहब ठाकरे के नाम से करते हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के असली वारिसदार हम है, ये आपकी भाषा रहती है, लेकिन जब ये समय आया है इश्तिहार देने का तो बाला साहेब ठाकरे गायब हो गए उस एडवर्टाइजमेंट से, तो ये ढोंग है आपका। बोलिए। तमिलनाडु में जब प्रकारे जो रेस है विरोधकांवर अशा प्रकारे धाडी घालून दहशत निर्माण करणं, दबाव निर्माण करणं हा यामागचा एक खेळ आहे। तमिळनाडूतल्या विद्यमान मंत्र्यांवर धाडी घातल्या, दिल्लीमध्ये धाडी घातल्या, अटक केली केजरीवालच्या मंत्र्यांना, महाराष्ट्रामध्ये कारवाया केल्या, धाडी घातल्या, आम्हाला अटक केली। गेल्या 6 महिन्यापासून मी एक मंत्री दादा भुसे परत नाव घेतो, त्यांच्याविषयी मी पुढल्या 2 दिवसामध्ये ईडीकडे तक्रार करणार आहे। मी सीबीआयकडे करून झालेली आहे, मुख्यमंत्र्याकडे करून झालेली आहे, आता मी ईडीकडे तक्रार करणार आणि मग सुप्रीम कोर्टात जाणार। 178 कोटी शेतकऱ्यांचे गोळा केले, पैसे आहेत कुठे? गिरणा सहकारी साखर कारखाना बचावच्या नावाखाली 178 कोटी गोळा केले, मनी लॉन्ड्रिंग झालंय त्या पैशात, पैसे परदेशात गेले, सगळ्या पुराव्यांसह मी सीबीआयला दिले। सीबीआयने मला कळवलंय की आमच्या अखत्यारीमध्ये केस येत नाही, बरोबर आहे, आता मी ईडीकडे देणार आहे केस, तू पुढल्या 2 दिवसात माझं त्याच्या संदर्भात सगळे डॉक्युमेंट जातील। दादा भुसे परत सांगतो, 178 कोटीचा घोटाळा आहे त्या काळातला, आता मंत्रिमंडळातला जो आहे त्याचे आकडे माझ्याकडे आहे।